पिछले कई दिनों से लोहपीटी पंचायत के लोग जंगली सियार के आतंक से परेशान हैं। अंधारी गांव के पुष्पा देवी और उसके जैसे 27 लोगों को सियार के काटने से जख्मी हो गए, जिसके कारण वहां के लोग भयभीत हैं। मैं भारती और यह है मेरा समुदाय। क्या हुआ था उस दिन? शाम का समय था, उधर से आ रहे थे तो आया और डायरेक्ट मतलब चबाया, चार को दांत मतलब। तो फिर कैसे इलाज हो रहा है अभी? इलाज वही बागमारा सरकारी द्वारा हो रहा सब। तो 7 तारीख को करीब 7 बजे के लगभग किधर से जब सियार आया शाम को और काटते हुए आगे निकल गया, जो जहाँ पर सका काटते काटते हुए निकल गया आगे। तो उस दिन करीबन 20-25 आदमी को काटा। तो तत्काल हम लोग मुखिया को खबर किए, मुखिया जी आए, प्राथमिक उपचार किए। उसके बाद दूसरे दिन सरपंच साहब भी आए थे, वो भी नोट वोट नाम उंगली करके गए। वो बोले कि ठीक है, हम विधायक यहाँ जाते हैं, सब कागज बना करके लाते हैं। यार आपको कट का कब काटा था? सोमवार को। अच्छा, कैसे काटा? आप कहाँ पे थे? हम रोड में तालाब जा रहे थे तब पीछे तरफ से। तो फिर उसके बाद फिर आपका इलाज कैसे शुरू हुआ? वहाँ पर डॉक्टर घर ले गए तो बोले कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो मुखिया आए तो बोले कि केट हुआ आपका इंजेक्शन लगा? अभी चार। मेरे पंचायत में सियार के काटने से 25 आदमी घायल हो गए हैं। 3-4 व्यक्ति जो हैं गंभीर रूप से घायल हैं। इन सभी को 7/9/2015 को एक पागल सियार ने चलते हुए रास्ते में शौचालय जाने के क्रम में और रोड में घर में घुसकर इसी क्रम में सबको काटा है। इसका इलाज और बागमारा PMCH जो सरकारी अस्पताल में चल रहा है, एंटी रेबीज डला रहा है उसका। इसका खुराक 2 खुराक दिया जा चुका है, तीसरा खुराक अभी देना है। बाकी सदरियाडी में 3 सदरियाडी पंचायत है, केसरगढ़ पंचायत, वहाँ पर 3 व्यक्ति को काटा है। अतः मैं आप सभी वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से यह अपील करती हूँ कि आप वन विभाग के अधिकारी धनबाद जिले के श्री नागेश्वर चौधरी को संपर्क नंबर 9905567278 पर कॉल करके इस समस्या से अवगत कराएं, ताकि गाँव वालों को जंगली सियार के से सुरक्षा मिल सके। मैं भारती, धनबाद झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।